हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम नाश्ते में ना बहुत ही क्विक रेसिपी बनाएंगे और जो हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसी से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये घर का बना दही है, तो मैं दही लूँगी। आपको जितना लगता है उतना, ये बड़ी कटोरी में नाश्ते में मुझे जितना दही चाहिए उतना, तो मैं इतना दही लूँगी। मैं इसमें 4 चम्मच शक्कर लूंगी, चीनी। दही हमारा मीठा है, हमें खट्टा दही नहीं चाहिए, तो मैंने 4 चम्मच शक्कर ली है। और मीठे को बैलेंस करने के लिए हम चुटकी भर नमक डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और शक्कर घुलने के लिए रख देंगे। यह हमारा लेफ्टओवर आटा है, इसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे। हम थोड़ा अजवाइन लेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये बहुत ज़्यादा अजवाइन हो गया है, आपको कम चाहिए तो कम ले सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये मैंने घी लिया है और ये मैं पराठा बनाऊंगी अभी। तो आप मोटा भी बना सकते हो और पतला भी बना सकते हो। अभी हम पराठा बेलेंगे। मैं इसमें घी लगाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च भुरक दूंगी। हम अभी इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो गाइज, हमारा ये पराठा सीख गया है। हम अभी ये रेडी टू ईट है। गाइस, ये दही में लम्स है, तो मुझे लम्स अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो पूरा फेंट भी सकते हो इसको। शुगर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हमारी थाली रेडी टू ईट है नाश्ते में। और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है और ये खाने से ना दिन भर हमें भूख ही नहीं लगती, तो बहुत ही बढ़िया ये खाने में लगता है पराठा और दही। तो गाइज, आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।